हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के युगले नोएड्स को। अब तक हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा के, यहाँ आपके पास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हमने स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के जो पांच इसके आप देखेंगे सब डिविजन्स हैं, क्राइसोफाइट्स यहाँ आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। ये रहा आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा। तो फर्स्ट है इसमें क्राइसोफाइट्स, इससे रिलेटेड हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है। डाइनोफ्लैजलेट्स, अगेन अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस डाइनोफ्लैजलेट्स। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है युगलिनोइड्स को लेकर, यानी कि युगलिनोइड्स के पहले हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। वन विथ फॉर क्राइसोफाइट्स, इसमें के एग्जाम्पल्स है डेस्माइट्स एंड डायटम्स, और दूसरा था आपका डाइनोफ्लैजलेट्स, जिसमें कि दो तीन एग्जाम्पल यूज किए गए थे। एक जो रेड टाइड कॉज करता है, उसके बाद एक जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो इन सबसे रिलेटेड हमने पूरे इंफॉर्मेशन कर लिए हैं। आप चाहे तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियो जरूर देखें, उसके लिंक युगलिनोइड्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट युगलिनोइड्स। नाउ अब देखिए कि इसके मेन फीचर्स क्या है और इनमें हमें पढ़ना क्या है। एनसीईआरटी में तो ये एक छोटे से पैराग्राफ में दे दिया है, बट क्वेश्चंस इस जो आएंगे वो एम्बेडेड इन्फॉर्मेशन जो इसके हैं उससे आएंगे। जैसा हमने पहले भी कहा था आपको कि एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन बिटवीन द लाइंस आते हैं और इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड है इन बिटवीन द लाइंस में। ठीक है, चलिए। तो युगलिनोइड्स में अब ये है क्या, इनकी हैबिटेट कहाँ है। कोई भी प्रोटिस्टा में और आप ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको जानना है कि उसकी हैबिटेट क्या है। हैबिटेट का मतलब कि वो कहाँ पाए जाएंगे। सो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेनली फ्रेश वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आया इनके हैबिटेट को लेकर कि इनका हैबिटेट क्या होगा। इसके लिए हम एक स्लाइड भी यूज करेंगे, और यहाँ हम कर रहे हैं अपना थर्ड पार्ट, दैट इज युगलिनोइड्स। आप इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स भी देखेंगे। युगलिनोइड्स, इसका हमने हैबिटेट का जिक्र किया, एनसीईआरटी में सबसे पहले हैबिटेट के बारे में बताया गया है। सो मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब होता है खारा पानी नहीं होना चाहिए, है ना। नमकीन पानी, जो खारा पानी होता है ना समंदर का, वो नहीं होना चाहिए। फ्रेश वाटर का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये पानी पीने लायक है। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब इज नॉट सलाइन। नाउ उसके बाद हैबिटेट हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी कहती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर ऑल्सो। स्टैग्नेंट वाटर एक तरह से आप ये समझ लें कि थोड़ा ठहरा हुआ पानी है ना। Now, उसके बाद हम करते हैं, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर को लेकर। स्ट्रक्चर के लिए एनसीईआरटी कहती है इसके स्ट्रक्चर को लेकर, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हैबिटेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल, देख रहे हैं आप इसके पास क्या है, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन की रिच लेयर है जिसका नाम है पेलिकल। ठीक है, यानी कि इसमें सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल इसमें नहीं है, और सेल वॉल की जगह इसमें क्या है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करने जाएं, तो इस तरह से अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ कर दिया, सॉरी, तो ये अगर इसका हमने बोला कि ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन कह ले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह ले, तो इसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल लेयर है जो कि प्रोटीन से बनी हुई है। ये लेयर यानी कि सेल वॉल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो लेयर है, ठीक है, इसी लेयर को आपने कहा था पेलिकल। इसी को क्या कहा था आपने, पेलिकल। किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन रिच लेयर। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि पेलिकल वर्ड युगलिनोइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ यानी कि सेल वॉल नहीं है इसके पास, सो सेल वॉल की जगह क्या है इसके पास, सेल वॉल ना होकर इसके पास एक आउटर, बाहर की तरफ आपको क्या मिलेगा, आउटर एक
प्रोटीन की रिच फ्लेक्सिबल रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल लेयर है। और इस लेयर को आपने क्या बोला, इसको आपने बोला पेलिकल। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जाता है, ठीक है। तो पेलिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन देती है, तो ये पेलिकल का काम क्लियर। अब बारी आती है इसके फ्लैजला को लेकर। दे हैव टू फ्लैजला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। इसके पास दो फ्लैजला है, एक छोटे और एक बड़े। इनका इसका मतलब ये हुआ कि साइज एक जैसा नहीं है। तो थर्ड पॉइंट इसका फ्लैजला। फ्लैजला क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ना, मूवमेंट में हेल्प करता है बॉडी को। तो फ्लैजला इसका कैसा है, दो फ्लैजला है, टू फ्लैजला, दो फ्लैजला है। क्या दोनों एक बराबर है, नहीं, दोनों अनइक्वल है। अब अनइक्वल के साथ ही जाहिर सी बात है, एक बड़ा है और एक छोटा है ना। अच्छा, है कहाँ पर, इनकी पोजीशन क्या है, इनके फ्लैजला की पोजीशन क्या है। अब देख पा रहे हैं या फ्लैजला इनकी कैसी है, तो फ्लैजला इनकी एपाइकल है, ठीक है, एपाइकल फ्लैजला है। तो आप यहाँ कहेंगे इसके एपेक्स, मतलब जानते हैं ना, ऑलमोस्ट बॉडी के टिप की बात की जाती है, उसे हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। तो इसकी फ्लैजला जो है वो एपाइकल है, एपाइकल यानी कि एपेक्स पर, यानी कि टिप पर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है इसका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि सनलाइट है या नहीं है, सनलाइट है या सनलाइट एब्सेंट है, यानी कि डार्क है, सनलाइट नहीं है। अगर सनलाइट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को बनाएगा, यानी कि क्या करेगा, प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बनाएगा। यानी कि ये क्या बिहेव करेगा, ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, बिहेव्स लाइक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास पिगमेंट्स हैं, बिल्कुल इसके पास पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स होंगे, कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, इसके पास पिगमेंट होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये दो पिगमेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब जब सनलाइट होगा तब ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपने फूड को खुद बनाएगा और ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इसके पास क्या है, दो पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, जब सनलाइट नहीं होगी तब, जब सनलाइट नहीं होगी, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट विल बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। तो ये क्या करेगा, ये हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, है ना, इट बिहेव्स लाइक हेटरोट्रॉप। तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस डार्क में ये नहीं करता, ठीक है। तो ओन फूड ये नहीं बनाता, ओन फूड ये नहीं बनाता, ऑटोट्रॉप्स की बिहेव तरह बिहेव नहीं करता, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। हेटरोट्रॉप्स यानी कि ये प्रीडेटर बन जाता है, यानी कि प्रे को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देता है ना, प्रीडेटर। यानी कि बिहेव्स लाइक, तो जब सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, अपना फूड खुद नहीं बनाएगा, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और प्रीडेटर की तरह बिहेव करेगा, ताकि ये प्रे को पकड़ पकड़ कर खाएगा, ठीक है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये बहुत ही स्मार्टली ऑटोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि सनलाइट है या नहीं है, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिक्सोट्रॉपिक, सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। मिक्स जैसा है ना, और ये यूनिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है यूग्लिनोइड्स में जो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और यही एक रीजन है
कि हम यूग्लेनॉइड्स को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। देख पा रहे हैं आप प्लांट एंड एनिमल की तरह कनेक्टिंग लिंक की तरह काम कर रहा है। तो अगर आ जाए तो आप यूग्लेनॉइड्स, इसका एग्जांपल यूग्लिना होता है, आप वो कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये दोनों ही बातें बहुत ही आराम से समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो आप ये कह सकते हैं यूग्लेनॉइड्स दे बिहेव बोथ एज एन ऑटोट्रॉप्स एज एन हेटरोट्रॉप्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर्स देयर ओन फूड एंड बिहेव्स लाइक ऑटोट्रॉप्स, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दे बिहेव्स लाइक हेटरोट्रॉप्स, दे बिकेम प्रेडेटर दे कैचेस देयर प्रे एंड कंज्यूम इट सो दे बिकम हेटरोट्रॉप्स एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, मिक्स टाइप का है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब नहीं होगी, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। नाउ इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर एलिमेंट्स, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। नाउ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यूग्लिना, तो यूग्लेनॉइड्स में हमने कौन से एग्जाम्पल देखे हैं, जो दिया हुआ है कौन से एग्जाम्पल है, ये है यूग्लिना। और इसी से क्वेश्चन आते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके रिप्रोडक्शन पार्ट को देख लेते हैं, इसका रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन में सिर्फ आपको नाम जानना है कि इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने बाइनरी फिशन का नाम सुना होगा, है ना, लेकिन इसमें एक खास तरह का रिप्रोडक्शन होता है जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, इसके बॉडी को ध्यान से देखें, इसके बॉडी को ध्यान से देखें। इसकी बॉडी कुछ ऐसी थी, ये था सेल मेम्ब्रेन और आउटर, आपने कहा कि आउटर इसका पेलिकल है, फ्लेक्सिबल है, तो ठीक है, इसके बारे में पूरी डिस्कशन हो ही गई है। अच्छा, इसके पास दो फ्लैजला है, दो फ्लैजला इसके पास होते हैं, ये दोनों ही फ्लैजला कहाँ प्रेजेंट होंगे, यहां पर। एक फ्लैजला होगा लंबा, है ना, और एक फ्लैजला होगा छोटा, ये फ्लैजला। छोटा वाला फ्लैजला एक्चुअली क्या करता है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता है और घूमकर क्या करेगा, जैसे कि अगर आप एक ग्लास में पानी लें और अपनी उंगली से उस पानी में ऐसे गोल गोल घुमाएं तो आप देखेंगे कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, है ना, और बाहर से चीजें यानी कि राउंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा ऐसा होना इस तरह से, और ऐसा होगा कि बाहर से मूवमेंट अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएंगी, होती है ना ऐसे। तो ये क्या करेगा, जब सनलाइट नहीं होती है तो अपने छोटे वाले फ्लैजला को ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमाता है, जिसकी वजह से बाहर से ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इसके अंदर की तरफ आएंगे। अब आएंगे उनको ये कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स की रही। इसके पास खुद का अपना कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगा, और चूंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो वो तो न्यूक्लियस तो इसके पास होंगे भी, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की, ये हमारा डिस्कशन था। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन का मतलब ये होता है कि इसकी बॉडी में इस तरह का, यानी कि डिवीजन कहाँ से होगी, इस तरह से, ये है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब ये होगा कैसे, है ना, होगा कैसे कि अगर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर इस तरह से एक रफली यहाँ पर एक बना दिया यूग्लिना, ठीक है। अब जब इसका डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होने को होगा तो इसके आप इस डिप्रेशन पर फोकस कीजिएगा, ये और गहरा होता जाएगा, ये डिप्रेशन इसकी क्या है, और गहरा होता जाएगा, ठीक है, हुआ। नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि इसकी डिप्रेशन और गहरी हो गई, हो गई, और एक टाइम आएगा जब इसका ये डिप्रेशन इस एंड पॉइंट को टच करने वाला रहेगा, इसका डिप्रेशन ये एंड पॉइंट को टच करने वाला होगा, ठीक है। और ये टच करेगा और ये क्या करेगा, दो डॉटर यूग्लेनॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
और जब तक ये डिप्रेशंस इसके डीपर 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 चलते रहेंगे यानी होते रहेंगे, तब तक इसके अंदर के जो ऑर्गनलीज हैं उनका डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और वो दोनों तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही डिप्रेशन इस एंड पॉइंट को टच करने ही वाली रहेगी, ये डॉटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक चीज़ और, जब इसका लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होने वाला होगा तो इसका फ्लैजला जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और जब ये डॉटर सेल बन जाएंगे तब फिर से फ्लैजला इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, आपको ड्रॉ करने के लिए कभी भी नहीं आएगा, आपको कैसे ये होता है ये कभी ड्रॉ करके बताने नहीं आएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का नाम आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी खासियत है, क्योंकि बाइनरी फ्यूजन तो आपने पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, आई थिंक अब आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया। और इसमें एक चीज आप पढ़ लीजिए, इसका स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज उसका नाम है पारामाइलम, बहुत इंपॉर्टेंट है पारामाइलम, ठीक। जैसे कि प्लांट में आपने पढ़ा है ना स्टार्च, तो यानी कि एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़े हैं इसमें क्राइसोफाइट्स को पढ़ा था सबसे पहले, तो हमने सबसे पहले प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, क्राइसोफाइट्स, इसके वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरा हमने पढ़ा था पायरोफाइट्स, पायरो क्योंकि ये क्या करता है, ये आग की तरह, रेड टाइड आग की तरह लगेगा पानी में, इसलिए पायरोफाइट्स, इसलिए इसको फायर एल्गा भी बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स को गोल्डन एल्गा बोलते हैं, इसको पायरोफाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हमने पूरी डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है पायरोफाइट्स, और आज हमने डिस्कस किया यूग्लिनॉइड्स। तो जरा देखते हैं इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज एंड क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अगला जो डिस्कशन होगा वो स्लाइम मोल्ड को लेकर होगा, तो वो इंटायरली डिफरेंट होंगे। अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज की, तो ये मुझे मिला था फ्रेश वाटर, ये कैसा था, ये था फ्रेश वाटर एंड मोस्टली थे, लेकिन इसमें मेराइन भी मुझे मिला था, मेराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होता है, मेराइन वाटर भी होता है, पायरोफाइट्स मुझे मेराइन वाटर वाले मिले थे, ठीक है, और अगेन ये यूग्लिनॉइड्स मुझे कैसे मिले, फ्रेश वाटर, ठीक। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या मिली, यहां से एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहां मुझे मिला कि क्राइसोफाइट्स में फ्लैजला थे ही नहीं, फ्लैजला नहीं था, डाइनोफ्लैजलेट्स, क्योंकि पायरोफाइट्स में डाइनोफ्लैजलेट्स आते हैं, दो फ्लैजला था, इसमें फ्लैजला कितने थे, फ्लैजला थे, इसमें फ्लैजला थे और कितने थे, दो थे, इसमें भी फ्लैजला हैं, दो हैं और दोनों अनइक्वल हैं। यहां की अगर हम बात करें, यहां फ्लैजला पायरोफाइट्स में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स होते हैं, है ना, और वोलिंग विप्स कॉन्सेप्ट था ये, हमने डिस्कस किया था उसमें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अनइक्वल अगर आ जाए तो आप यूग्लिनॉइड्स का नाम देंगे, यहां पर ये डिस्कस किया गया है क्योंकि एनसीईआरटी इस लाइन को मेंशन करती है, इसलिए। यहां पर हम इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल है किसका, यहां पर भी सेल वॉल है और यहां पर भी सेल वॉल है या नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल किस चीज का बना हुआ है, तो सेल वॉल यहां पर क्राइसोफाइट्स में है और सेल वॉल बना हुआ है सिलिका का एंड सेलुलोज का, तो सिलिका है एंड सेलुलोज है, और इसी सिलिका की वजह से जब धूप पड़ती है तो वो गोल्डन की तरह चमकते हैं, गोल्ड की तरह, इसलिए इनको बोलते हैं गोल्डन एल्गा, सेलुलोज। अच्छा, पायरोफाइट्स में क्या है, इसमें भी है, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं, सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहां पर सेलवॉल तो खैर है ही नहीं, कहानी खत्म, यहां पर सेलवॉल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, पेलिकल प्रोटीन आपको मिलेगा, सेलवॉल की जगह पेलिकल प्रोटीन की लेयर मिलेगी जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, वो मिलेगी। यहां पर क्लोरोफिल कौन से पिगमेंट्स होते हैं क्राइसोफाइट्स में, तो क्राइसोफाइट्स में मुझे मिले थे क्लोरोफिल ए, यहां पर कौन सा पिगमेंट मिला था, क्लोरोफिल ए प्लस फाइकोइरिथ्रिन, उसके बाद यहां मुझे मिला क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, दोनों क्लोरोफिल बी दोनों मिले। यहां पर मुझे स्टोर्ड जो फूड होती है वो कौन सा मिला, तो स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहां पर मुझे मिला वॉल्यूटीन, वॉल्यूटीन ग्रैन्यूल्स मुझे मिले,
ग्रैन्यूल्स, क्या है ये? स्टोरेज फूड। मुझे पायरोफाइट्स में क्या मिला था? स्टार्च। और मुझे यहां पर यूग्लिनोइड्स में क्या मिला? पैरामाइलम। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूग्लिनोइड्स क्या है ना। और यूग्लिनोइड्स रिलेटेड यहाँ हैबिटेट हमने देखा, डिस्कस इसका स्ट्रक्चर देखा, पेलिकल प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, इनके फ्लैजेला के बारे में डिस्कस किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था उसे किया। उसके बाद हमने इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे, एक अलग तरह का नाम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। उसके बाद हमने तीनों को रिलेट किया क्योंकि अब तक हमने प्रोटिस्टा पे तीन वीडियो बना रखे हैं, क्राइसोफाइट्स, पायरो एंड यूग्लिनोइड्स। क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं, उनको हमने डिस्कस किया। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको आ रही हैं चीज़ें तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें। आपका कोई तरीका होना चाहिए ना बताने का कि हाँ आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। आपको अगर आ रही है तब भी बताएं, नहीं आ रही है तो भी बताएं, ठीक है। किसी ऐसे टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, जो आपके आसपास कोई एग्ज़ाम आ रहे हो उसके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसके लिए सेपरेट वीडियो बिल्कुल बनाया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर स्लाइम मोल्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे स्लाइम मोल्ड के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।